हेलो एवरीबॉडी, ये आपको ब्लॉग की तरह लग रहा होगा लेकिन ये ब्लॉग नहीं है। मुझे बस अपनी बात समझानी है आपको। तो बात यह है कि कभी कभी आप जब अपना पीसी ऑन करते हैं तो ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन आने लगती हैं। ये नोटिफिकेशन होती है हमारी कि हमारी विंडो एक्सपायर होने वाली है और उसको एक्टिवेट करने के लिए ये नोटिफिकेशन आती है। और जब आप उसको एक्टिवेट करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है वहाँ पे प्रोडक्ट की, और जो कि आप पे नहीं होती है। मोस्टली हम सब पे नॉर्मली विंडो की प्रोडक्ट की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रोडक्ट की, आज इस वीडियो में देखते तो हैं। आ गए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमें KMS AutoNet Portable, ये फाइल हमारे कंप्यूटर में होनी चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके बिना कुछ नहीं है, तो इसको आप डाउनलोड ज़रूर कर लें। अब बढ़ते हैं हमारे आगे के स्टेप्स पे। फर्स्ट स्टेप है हमारा विंडोज सिक्योरिटी में हमें जाना है, उसके बाद हमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे जाना है। यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद हमें अंदर जाना है, इसमें मैनेज सेटिंग्स पे जाना है। मैनेज सेटिंग्स के बाद हमें रियल टाइम प्रोटेक्शन को इसको ऑफ कर देना है। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी फाइल यूज़ करेंगे। तो अब हमें ये जो KMS AutoNet है इसमें जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद ये फाइल एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है, इसको रन करना। देखते हैं, अब एक बार और रन पे क्लिक करना, फिर उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा आपके पीसी में। मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन में ये कुछ सेकंड्स लेगा, तो मैंने ये पार्ट कट कर दिया है, तो मेरा ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो गया। इसके बाद मैं एक्टिवेशन पे जाऊँगा। एक्टिवेशन पे जाने के बाद यहाँ ऑफिस और विंडो, अगर आपको ऑफिस करना है ना MS ऑफिस, तो वो भी यहाँ से हो जाएगा एक्टिवेट। तो यहाँ पे अभी हमें सिर्फ विंडो करनी है, तो हम विंडो पे क्लिक कर देंगे और हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन वहाँ पे ऑफ की थी, उसको आप अब ऑन कर सकते हैं और अपना पीसी अब यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कोई इंटरप्शन। तो कर दिया आपने बाईपास ये प्रॉब्लम को। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई ऐसी ट्रिक आपसे मिस ना हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर लो।